शुक्लां परधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। ॐ श्रीकृष्ण परब्रह्मणे नमः। ध्यानश्लोकाः। पारथाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीं अष्टादशाध्यायिनीं अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्। ॐ श्रीकृष्ण परब्रह्मणे नमः। ॐ कृष्णाय 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 नमः। सभी को जय श्री कृष्ण। आज हम राम सुख दास जी द्वारा रचित गीता दर्पण में 72 एपिसोड करेंगे 5 मिनट का, कि गीता में साध्य और साधन की सुगमता। तो लिखा है, साध्य साधनयोः प्रोक्तम सौलभ्यम हरिणा स्वयं मोहितम ही विना तस्माद अनुत्साही भवेत्तु कह। तो साधक की दृष्टि से आपको पता ही है कि हमने कल भी इस पर डिस्कशन किया था, साध्य के दो भेद हैं, एक तो सगुण और एक निर्गुण। तो सगुण की उपासना जब आप करते हैं उसमें अनन्य भाव की मुख्यता होती है। अनन्य भाव वाले भक्तों के लिए भगवान जो है वो सुलभ हैं। वह अनन्य भाव क्या है? अन्य का न होना। अन्य क्या है? भगवान के सिवाय धन संपत्ति वैभव घटना परिस्थिति स्त्री पुत्र परिवार मन बुद्धि इंद्रियां शरीर आदि जो कुछ भी है वो सब कुछ अन्य है। उस सब से विमुख होकर अर्थात उनके आश्रय का महत्व का प्रियता का त्याग करके केवल भगवान के सम्मुख हो जाना, भगवान की शरण में आ जाना और उनमें ही महत्व या प्रियता को जानना ही अनन्य भाव है। मैं भगवान का हूँ और भगवान ही मेरे हैं। मैं संसार का नहीं हूँ और संसार मेरा नहीं है। इस तरह अपनी कहलाने वाली वस्तु शरीर आदि को और अपने आप को भी भगवान के अर्पण कर देना ही अनन्य भाव है। तो अनन्य भाव से भगवान सुलभ हो जाते हैं अकॉर्डिंग टू गीता 8.14 और भक्तों के योग क्षेम का वहन करते हैं अकॉर्डिंग टू गीता 9.22। भक्तों का बहुत जल्दी मृत्यु रूपी संसार सागर से उद्धार कर देते हैं गीता 12.7 और इसी अनन्य भाव से भक्त भगवान को देख सकते हैं, जान सकते हैं और प्राप्त भी कर सकते हैं गीता 11.54। इसलिए भगवान कहते हैं कि तुम मेरे में ही मन और बुद्धि को लगा दो फिर तुम मेरे में ही निवास करोगे गीता 12.8। तुम मेरे में ही मन और बुद्धि को अर्पण कर दो फिर तुम निस्संदेह मेरे को प्राप्त हो जाओगे गीता 8.7। अब आते हैं निर्गुण पे। तो निर्गुण की उपासना, देखिए जो सगुण की उपासना थी उसमें अनन्य भाव की मुख्यता थी और जो निर्गुण की उपासना है उसमें विवेक की मुख्यता है। तो इसमें विवेक पूर्वक हमको जड़ता का त्याग कर देना है। निर्गुण उपासक को भी परमात्म प्राप्ति सुगमता से हो जाती है अकॉर्डिंग टू गीता 4.39 और 6 और 28। अच्छा, अब ये तो हो गए साध्य। अब साधन के भी तीन भेद हैं। हमको पता ही है साधन तीन तरह के हैं, कर्म योग ज्ञान योग और भक्ति योग। तो
पहले बात करते हैं कर्म योग की। तो जो भी परिस्थिति कर्तव्य रूप सामने से आ जाए, उस कर्तव्य को हमें तत्परता से करना है और उस कर्म के फल की इच्छा को त्याग कर देना है। इसमें क्या कठिनता है? कारण कि कर्तव्य नाम ही उसी का है जो करने योग्य है और जिसको सुगमता से कर सकते हैं। ऐसे प्राप्त कर्तव्य का पालन करने की बात भगवान ने दूसरे अध्याय के 47वें श्लोक में बताई है। ये था कर्मयोग। अब आते हैं ज्ञान योग पर। ये शरीर जो है वो प्रतिक्षण बदल रहा है और मृत्यु की तरफ जा रहा है, क्योंकि ये असत है। पर इस असत को जानने वाला, अर्थात शरीर संसार के परिवर्तन को, उत्पन्न और नष्ट हो जाने होने को जानने वाला सत है। तो ऐसा जानने में क्या कठिनता है? इस बात को प्रायः सभी आस्तिक लोग जानते हैं कि ये शरीर तो मरेगा ही, हम सभी को पता है, पर इस शरीर में रहने वाला तो रहेगा ही। इसी बात को भगवान ने दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक से 30वें श्लोक तक विस्तार पूर्वक बताया है गीता में। तो ये है ज्ञान योग, क्योंकि हमें पता ही है कि हमारा शरीर मरेगा एक दिन, तो ये ज्ञान है। अब आते हैं भक्ति योग पर, कि जिसके पास भगवान को अर्पण करने के लिए बढ़िया बढ़िया पदार्थ नहीं है, वो केवल पत्र, पुष्प, फल, जल आदि को ही प्रेम पूर्वक भगवान के अर्पण कर दे, तो भगवान ये पत्ता है, ये फूल है, इसे मैं कैसे खाऊं, ऐसा कुछ भी विचार नहीं करके उसको खा लेते हैं। गीता 9.26। और आपको याद भी होगा कि एक बार कहाँ पे वो गए थे श्री कृष्ण जी विदुर के यहाँ, तो उन्होंने उनको केला दिया, तो वो केला छिलके समेत खा गए। क्योंकि जो प्रेम से आप ऑफर करेंगे प्रभु को, तो वो सब कुछ खा लेंगे। परंतु किसी के पास ये पत्र, पुष्प आदि भी ना हो अगर, तो वो जो कुछ भी क्रिया करता है, यानी खाना पीना, चलना फिरना, उठना बैठना, यज्ञ तप आदि जो कुछ भी करता है, वो सब भगवान के अर्पण कर दे, अकॉर्डिंग टू गीता 9.27। तो ऐसा करने से वो संपूर्ण शुभ अशुभ कर्मों से, कर्म बंधनों से मुक्त होकर भगवान को प्राप्त हो जाता है, गीता 9.28। इससे अधिक सुगमता और क्या हो सकती है? बस इतना ही था आज का गीता में साध्य और साधन की सुगमता, यानी आसानी। जय हिंदू राष्ट्र। फिर मिलते हैं आपसे 1 घंटा 10 मिनट बाद, 14वीं के चांद का अगला चैप्टर पढ़ेंगे, अल्लाह का पक्षपात। नहीं, विभू जी की तबीयत ठीक नहीं है, सोका जी उन्होंने एक बार लाइव में बताया था, इसलिए बता रही हूँ कि एक बार बचपन में उनको टीबी हो गया था, तो उनको अभी खांसी कफ था, तो वो दिखाने गई थी डॉक्टर को, तो डॉक्टर ने उनके लंग में कुछ वो बताए हैं, बबल्स आ गए हैं। तो वो कोई कंडीशन सीरियस नहीं है ना, वो हॉस्पिटल में एडमिट है, लेकिन वो हॉस्पिटल जाती है डेली, तो इसलिए वो मैंने उनको बोला है ठीक है आप रेस्ट करो, वो आके बोलेगी जोर जोर से तो उसके लंग पर जोर पड़ेगा, अभी वो बीमार है। उनके लिए आप सब लोग प्रार्थना करिए कि वो जल्दी ठीक हो जाए। उनकी कंडीशन बहुत सीरियस नहीं है, लेकिन जो बबल्स हैं लंग के अंदर वो निकाल रहे हैं डॉक्टर। हाँ ईशान जी, दुर्योधन का मेवा त्यागा, साग विदुर घर खायो, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। अच्छा, तो ईशान जी कभी आप आके गाओ ना इस भजन को सनातन सभा में गाना। ऐसा करते हैं एक दिन ना, ये रख लेते हैं यही भजन गाने का, सब लोग आके अपना अपना एक कोई भजन गाना ऐसे रख लेते हैं, भजन कैरियो की। चलिए मिलते हैं 1 घंटा 10 मिनट बाद, मेरे को टाइम मिल गया, मैं यामी को घुमा के लाती हूँ, और मेरी चप्पल भी काट ली है उसने, तो हमने यहाँ पर एक ग्रुप बनाया है, वो ग्रुप ऐसा है कि वो है, नहीं शाही होने की बात नहीं है, और हम कौन सा प्रोफेशनल सिंगर्स हैं, बाथरूम सिंगर्स हैं सब, उसमें क्या है, तो मैं कौन सा बड़ा अच्छा कुछ गाती हूँ, उससे क्या फर्क पड़ता है, यहाँ पर कौन जज करने बैठा है। अच्छा मैं क्या कह रही थी, हाँ हमने ना एक यहाँ पर ग्रुप बनाया है, उसमें ना बाय नथिंग करके है, तो हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास जो चीज़ एक्स्ट्रा होती है ना, हम
उस ग्रुप में एडवर्टाइज कर देते हैं, तो वो अपनी चीज़ एडवर्टाइज कर देते हैं, तो जिसको जिस चीज़ की ज़रूरत होती है वो ले लेता है। तो मेरी चप्पल जो है ना यामी ने खा डाली है आधी, बड़ी ख़राब तरह से। तो मुझे कोई चप्पल दे रहा है तो मैं उसकी चप्पल लेने जा रही हूँ, चप्पल भी ले आऊँगी, यामी को भी घुमा आऊँगी, सब काम कर ले। क्या मतलब मुझे समझ में नहीं आया। आपने स्ट्रीम अभी रखे हैं, कल रख दिए होते तो कुछ लोग भी समझ आते हैं, समझ में आता उन्हें, लेकिन आप बहुत, बात यह है बी के पांडे जी, ये जो थंबनेल है ये कृष्णा ने बनाया है, मैं उसको बोलती हूँ कि तुम बना लो तो वो हमेशा रात को इधर उधर, वो किसी एक्स मुस्लिम चैनल पर मॉडरेटर है, तो वो मतलब अब क्या करता है कि वो कहता है मैं कल बना के दूंगा आराम से, तो उसका कल मेरा रात हो जाती है, तो मैं आधी रात को उसका भेजा हुआ थंबनेल तो लगाऊंगी नहीं, तो मैं तो अपनी सुबह उठ के लगाती हूँ, सुबह मेरे सुबह उठते ही मेरे ये सारे स्ट्रीम स्टार्ट हो जाते हैं वेदों के, तो दो वेद पढ़ने के बाद मेरे पास टाइम होता है, जो गैप उसमें मैं जो है थंबनेल लगाती हूँ। मैं तो रात को ही लगा के सोना चाहती हूँ, लेकिन वो मुझे उस समय करके नहीं देता, वो कहता है मैं आराम से दूंगा, तो वो आधी रात को देता है। बात ये है, इसलिए मैं नहीं लगा पाती हूँ, जो थंबनेल मैं खुद बना लेती हूँ अगर, तो फिर वो मैं लगा देती हूँ पहले ही। और वो जो मैं कॉन्ट्रडिक्शंस कर रही थी वो मैंने स्टॉप कर दिए, क्योंकि वो जो अबुल कासिम के थे वो सारे वही वही वाले रिपीट कर करके बार बार दे देता है, और उसके पास नए नहीं है, उसने चलाकी करी है। ये लोग कुछ भी कर ले, बड़े चलाक रहते हैं ये लोग। अच्छा मिलते हैं, अब मैं जा रही हूँ वॉक पे। जय हिंदू राष्ट्र।